वेलकम टू हॉर्टिकल्चर प्राण नर्सरी। हॉर्टिकल्चर प्राण नर्सरी में सभी किसान भाइयों का स्वागत। आज डेट है 29 मार्च 2023 और आज की डेट में इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एप्पल वेयर का प्लांटेशन, यानी एप्पल वेयर का प्लांटेशन किस तरीके से करना होता है, इसका प्रोसेस क्या रहता है एंड साथ ही साथ आप 1 एकड़ जमीन में कितना ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हो एंड किस तरीके से गड्ढे वगैरह खुदाई करना होता है एंड उसके बाद कितना दिन जमीन को पड़े रहने देना होता है, पूरा आपको इस वीडियो में आपको डिटेल्स मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको एप्पल वेयर प्लांटेशन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में पूरा आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि नॉर्मली हम बहुत सारे किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि भैया आपके पास से हमने प्लांट तो मंगवा लेंगे, प्लांट मंगवा के आप कैसे भेजेंगे, यानी भेजने का व्यवस्था कैसे रहता है। तो हमारा जो भेजने का व्यवस्था रहता है वो बाय ट्रेन भेजा जाता है और साथ ही साथ जो है ट्रेन में भेजेंगे तो वो पौधा सही सलामत हमारे पास आएगा कि नहीं। तो बिल्कुल 100% आपके पास जो है आपका प्लांट जो है बहुत ही सही सलामत पहुंचता है। यहाँ पे जो है प्लांट मैंने लाया है पहले ट्रेन में एंड ट्रेन से गाड़ी करके फिर यहाँ पे जो है प्लांट लाया गया है एंड उसके बाद जो है इसको प्लांटेशन किया जाएगा। ये जो पौधा है हॉर्टिकल्चर प्लांट नर्सरी से ये पौधा लिया गया था एंड हमारे नर्सरी से पौधा लेके जो है इसका प्लांटेशन किया जा रहा है। इसका ट्रेन में सफ़र हुआ फिर उसके बाद गाड़ी में, तो बिल्कुल आपको देख सकते हो आपके सामने है, बिल्कुल जैसे कि वैसे है जैसे हमने पहले लोडिंग किया था हमारा नर्सरी के खेत से जैसे भरा था बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, ना पत्ते सूखा है ना पौधे का जो मिट्टी होता है वो मिट्टी सूखा है, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें जो है प्लांट पहुंचा है एंड साथ ही साथ हमारा जो प्लांट अब तक पहुंचता है वो कितना सुंदर तरीके से पहुंचता है बिल्कुल इसमें देख के आप पता लगा सकते हो। यहाँ पे जो है 3000 एप्पल वेयर का प्लांटेशन होने वाला है एंड साथ ही साथ जो है मेवा यानी जो होता है आपका पपीता या पपाया जो होता है उसका प्लांटेशन यहाँ पे होने वाला है। आपके सामने पपाया का प्लांट है एंड उसके बाद जो यहाँ पे अनलोड किया जा रहा है वो आपका एप्पल वेयर का प्लांट है। तो नॉर्मली जो खेत को आपको खेत को पहले जुताई करना है या जुताई भी नहीं करेंगे तो उसमें आपको गड्ढे करना होता है। जो गड्ढे आप करेंगे वो गड्ढे का डिस्टेंस एक सही डिस्टेंस लगाना होता है, यानी जो डिस्टेंस में आपको प्लांटेशन लगेगा। तो यहाँ पे जो है 10-12 का डिस्टेंस रखा जा रहा है क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे एक एक करके जो है मेवा का प्लांट को प्लांटेशन किया जा रहा है, यानी पपीता का प्लांट। तो नॉर्मली यहाँ पे आप लेबर को देके गड्ढा खुदाई कर सकते हो या तो आप जो है जेसीबी से गड्ढा खुदाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो गड्ढे खुदाई करते वक्त मिट्टी को पहले एक बार उठाया गया एंड दूसरी बार और भी दबा के जो है वही का वही मिट्टी उसी में छोड़ा जा रहा है एंड उसके बाद का प्रोसेस भी आपको दिखाया जाएगा कि ये जो मिट्टी छोड़ा गया है इस मिट्टी के साथ क्या किया जा रहा है, वो भी प्रोसेस आपको वीडियो में धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो मिट्टी भी काफ़ी सुंदर है एंड काफ़ी तगड़ा मिट्टी है यहाँ पे एंड साथ ही साथ जो है आपका जो डिस्टेंस यानी 10-12 का डिस्टेंस आप करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे जो है बम्बू का स्टिक जो है छोटे छोटे कट के यहाँ पे गाड़ा गया था। जहाँ जहाँ प्लांटेशन होगा जहाँ जहाँ पे गड्ढा होगा वहीं पे गाड़ा गया है, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा करके एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे एक एक करके उठाया जा रहा है एंड यहाँ पे जो है जेसीबी से गड्ढा किया जा रहा है। जेसीबी से गड्ढा करने से क्या होता है आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, पौधे के जड़ वड़ का कोई दिक्कत नहीं होता है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं जो गड्ढा हमने किया था उसमें पानी भरा गया था एंड उसके बाद जब हल्का सा सूख गया है तो उस गड्ढे के ऊपर का जो मिट्टी है उस मिट्टी को भुरभुरा टाइप का बनाया जा रहा है क्योंकि अभी ये जो है प्लांटेशन करने का लायक बनाया जा रहा है, इसके ऊपर जो है पौधे को लगाया जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें जो है आपका मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा रहा है एंड आपको इस वीडियो को बीच में मैं बता देता हूँ अगर आपको ये प्लांट चाहिए, ये जैसे कि एप्पल वेयर का प्लांट, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट हमारे नर्सरी में मिलता है, जेनुइन क्वालिटी का आपको प्लांट मिलता है। अगर आपको चाहिए तो नीचे जो नंबर दिए इस नंबर पर संपर्क करें, आप इंडिया के कहीं से भी होंगे वहाँ पे आपको 100% जेनुइन क्वालिटी का आपको प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपका खेती करने का प्रोसेस पूरा बताया जाएगा वीडियो के माध्यम में या हमारे पास कम्युनिकेशन करके आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप अगर बिजनेस करते हो या कोई जॉब करते हो उसी के साथ साथ फार्मिंग करना चाहते हो तो बिल्कुल आप फार्मिंग कर सकते हो, हमारी तरफ से आपको पूरी सजेशन आपको मिल जाएगा एंड साथ ही साथ किस तरीके से करना है पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे देख सकते हो जो गड्ढा बनाया था उसके ऊपर पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाया गया एंड मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद उसके बाद हल्का सा गड्ढा किया गया, यानी यहाँ पे देख सकते हो ये गोबर की खाद है। ये गोबर की खाद जो है ये गड्ढे के ऊपर जो मिट्टी को भुरभुरा बना के हल्का सा गड्ढा किया गया इसके ऊपर लगेगा ये गोबर की खाद।
तो गोबर की खाद भी आगे चालू है देना, अब आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देख लीजिए मिट्टी का क्वालिटी बहुत ही सुंदर क्वालिटी है। एंड जमीन जो है मिट्टी जमने वाला पानी जमने वाला जमीन नहीं है, पानी होता है तुरंत नीचे चला जाता है पानी जो है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें जो है फार्मिंग किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पे जमीन का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे लगभग 3000 प्लांट का प्लांटेशन होने वाला है, लगभग 8 एकर के आसपास यहाँ पे प्लांटेशन होगा। एंड ये जो जमीन में पहले इस सब जगह पे गड्ढे खोदा किया गया था, पहले गड्ढे खोद के रखा गया था जेसीबी से। एंड उसके बाद जो है इसमें मिट्टी को भुरभुरा बनाया गया। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे गोबर की खाद को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। ये गोबर की खाद देने से क्या होता है कि आपका पौधे में पहले शुरू का दिन में आप रासायनिक खाद नहीं दे सकते हो। शुरू का दिन में आपको क्या करना होता है, शुरू का दिन में रासायनिक खाद देते हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो शुरू का दिन में गोबर की खाद देना एकदम परफेक्ट होती है। गोबर की खाद देने के साथ साथ क्या होता है कि हमारा मिट्टी में कहीं सारे कीड़े होते और बहुत पेड़ को नुकसान पहुँचाता है, तो उसी को ख़त्म करने के लिए हम दवा भी देंगे। क्योंकि ये जब गोबर की खाद गिरेगा, गोबर की खाद में काफ़ी सारे कीड़े होता है, तो जब कीड़े होगा तो पौधे को नुकसान पहुँचाता है। तो उस कीड़े को मरने के लिए हम जब पौधा लगाएंगे तो उस वक्त जो है हम पहले इसमें दवा देंगे, फिर उसके बाद जो है पौधे को लगाएंगे। उसी प्रोसेस को भी आपको दिखाएंगे पूरा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक किस तरीके से खेती करना होता है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे तो आशा करता हूँ आपको किसी भी प्रकार का इसमें जो है आपका डाउट नहीं रहेगा। एंड साथ ही साथ जो है इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो यहाँ पर गोबर की खाद जो है काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें उठाया जा रहा है। एंड उसके बाद जो है जो गड्ढा हमने पहले किया था उस गड्ढे में ये गोबर की खाद को डाला जा रहा है। एंड गोबर की खाद को डाल के फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है जैसे आसपास का जो मिट्टी है इस मिट्टी से इस गोबर को मिक्स करेंगे। मिक्स करके जो है इसमें हम ऐसे ही रख देंगे। एंड उसके बाद रखने के लगभग 1 से 2 दिन बाद इसमें हम प्लांटेशन करेंगे, तब जाके बन जाएगा हमारा मिट्टी जो है काफ़ी सुंदर बन जाएगा। ये एकदम परफेक्ट होगा आपको पौधे लगाने के लिए एंड बहुत ही अच्छा होगा आपको पौधे लगाने के लिए। तो नॉर्मली यहाँ पे मिट्टी तो आपको हमने दिखा दिया कि कितना सुंदर मिट्टी है। एंड साथ ही साथ इसमें अब तक जो है शुरू से लेकर अब तक पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में हमने दिखाया है। एंड साथ ही साथ और भी प्रोसेस इस वीडियो में पूरा हम प्रोसेस आपको दिखाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना हो। और साथ ही साथ जो है आप जब फार्मिंग करेंगे इसका फार्मिंग करने जाएंगे तो आपका इसमें किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो, तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। बहुत सारे किसानों का डिमांड था कि भैया एक ऐसा वीडियो बना दो कि कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरीके से गड्ढे को तैयार करें, किस तरीके से मिट्टी को तैयार करें। तो नॉर्मली ये जो मिट्टी को तैयार करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है एंड इसको अगर आप देख लेंगे तो आशा करता हूँ इस विषय में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो है अगर आपको इसका प्लांट चाहिए तो शुरू में मैंने बताया कि इसका प्लांट अगर 100% जेन्युइन क्वालिटी का आपको प्लांट चाहिए तो बिल्कुल हॉर्टिकल्चर नर्सरी में आप संपर्क करें। नीचे जो नंबर दिया उस नंबर पर संपर्क करें। आप इंडिया के कहीं से भी होंगे वहां पे आपको अच्छे क्वालिटी का जेन्युइन क्वालिटी का आपको प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आप प्लांट लेंगे किस तरीके से खेती करना है, किस प्रोसेस के माध्यम से आपको खेती करना है, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा एंड आपको दिखाया भी जाएगा ताकि आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो आज हो गया यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल तैयार। एंड दूसरे दिन का जब बाद आते हैं तो प्लांटेशन करने का बाद आते हैं यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो फेंसिंग का ऐसे कर सकते हो, जो वायर होता है कांटे वाला वायर बिल्कुल ऐसे फेंसिंग कर सकते हो। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट डे का बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है प्लांटेशन करने का। तो गड्ढे को देख सकते हो और बिल्कुल मिट्टी को भुरभुरा टाइप का बनाया गया है। उसका मिट्टी जो है हल्का सा ऐसे करके खोद लेना है, बिल्कुल आपके सामने है, आप देख सकते हो ऐसे करके हल्का सा जितना पौधे का मिट्टी है यहाँ पे पौधे आप देख सकते हो, पौधे में जितना मिट्टी है उतना परिमाण आपको गड्ढे को खोद लेना है पहले हाथ से। एंड उसमें जो है ये जो पॉलीबैग होता है, जो काला कलर की पॉलीबैग होता है जिसमें मिट्टी भरा रहता है, उस पॉलीबैग को हटा के आपको पौधे को जो गड्ढे आप बनाया हो उसके ऊपर पौधे को ऐसे लगा देना होता है। ऐसे पौधे को लगा देंगे तो थोड़ा साइड से हम जो है हल्का सा मिट्टी लेके ये साइड में आधा परिमाण भर देंगे एंड जो खाद हमने तैयार किया था, जो दवा ये मारने का कीड़ा
मरने का, दिमाग मरने का जो दवा है वो इसमें हम छिड़काव करेंगे एंड उसके बाद जो है इसमें मिट्टी भर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कीड़े इसमें क्षति नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस दवा क्या होता है, क्या क्या देना होता है पूरा आपको बता दिया जाएगा। अभी वीडियो में बताने जाएंगे तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा वीडियो, तो आपको एक अलग से बताया जाएगा कि कैसे हम इसको तैयार करते हैं। इसी के साथ जो है दवा जो दिया गया है कीड़े मरने का एंड साथ ही साथ जो है रूट को डेवलपमेंट करने का एंड बहुत सारे के दवा मिला के एक जो है मिश्रण बनाया गया है एंड वो जो है पौधे में छिड़काव किया जा रहा है। तो ऐसे अगर हम छिड़काव करते हैं तो क्या होता है कि पौधे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है एंड साथ ही साथ शुरू का दिन में जो है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का खाद नहीं देना पड़ता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर तरीके से इसमें जो है प्लांटेशन किया जा रहा है। नॉर्मली और एक प्लांटेशन करने का सिस्टम आपको दिखा देता हूँ। शुरू से लेकर अंत तक आप तो देखे हो कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोसेस को अपनाया गया है एंड उसके बाद जो है इसमें प्लांटेशन किया जा रहा है एंड आफ्टर प्लांटेशन जो है इसमें और भी सपोर्ट दिया जाएगा। जो बंबू का स्टिक होता है उस स्टिक का सपोर्ट दिया जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे सपोर्ट देने का प्रोसेस जो है। यहाँ पे देख सकते हो ये भी एक पौधा लिया गया है, पहले आधे परिमाण गड्ढा किया गया था। पौधे को हम इसमें जो है लगा देंगे, लगा के हल्का सा साइड का जो मिट्टी है इस मिट्टी को इस पौधे का जो मिट्टी है पॉलीबैग का जो मिट्टी है आधे परिमाण मिट्टी दे देंगे एंड उसके बाद इसके ऊपर हम देंगे खाद एंड खाद देने के बाद ये जो है मिट्टी से हम इसको भर देंगे, दे के हल्का सा दबा देंगे। ये हो गया एकदम परफेक्ट प्लांटेशन का सिस्टम। अगर आप इसी सिस्टम से करते हो तो आपको प्लांटेशन में कोई भी किसी प्रकार का नुकसान, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको इसमें फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी माध्यम से अगर आप करते हो तो गड्ढे भी आपको बड़ा बन जाता है, गड्ढे में आपको जड़ फैलाने का जगह मिल जाता है पौधे को। इसमें क्या होता है कि पौधे के ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, रूट बहुत ही अच्छा होता है, इसके जड़ जो है काफ़ी मजबूत होता है, जिसके चलते इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल फूल मिलता है। तो ये काफ़ी सुंदर तरीका है, तो ऐसा आप अपना के जो है इसका फार्मिंग कर सकते हो। तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर दिया उस नंबर पे संपर्क करें एंड साथ ही साथ आफ्टर प्लांटेशन जब प्लांटेशन हो गया तो ये वीडियो बनाया गया था, बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो है लट्ठी से सपोर्ट दिया गया है काफ़ी सुंदर तरीके से। इस तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो। अगर आपको इसका प्लांट चाहिए तो नीचे नंबर पर संपर्क करें। तो आज का वीडियो इतने, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को इतना टाइम देखे निकला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।